हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास सेकंड है, सब्जेक्ट मैथ्स है, चैप्टर 6 मल्टीप्लिकेशन है। आज अपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से समझना है अटेंटिवली होकर, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और भाई बहनों के साथ शेयर भी करना है। अपने आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में प्रैक्टिस सेट 6.1, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.1 करेंगे क्योंकि चैप्टर 6 है, तो इसका प्रैक्टिस सेट 6.1 हो जाएगा पहले ही फर्स्ट। अब आप ये देखें, पहले समझें, आपको इससे पहले आपको सेकंड क्लास के लिए हैं तो 2 से लेकर 15 तक मिनिमम टेबल आपको लर्न होनी ही चाहिए। वैसे मैं 20 तक कराऊंगा, 20 तक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 20 तक टफ हैं तो थोड़ा 15 तक तो 100% आपको टेबल आने ही चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है फिल इन ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको फिल करना है। तो पहले ए पर चलते हैं, बहुत सिंपल हैं, अगर आपको टेबल आते हैं तो बहुत इजीली कर पाएंगे। ए देखें, क्वेश्चन नंबर ए है, लिखा है 3 × 4 और इक्वल टू में लिखा है, और यहाँ पर ये बना है बॉक्स। अब सिंपल है, इसको फिल करना है, तो फिल कैसे करेंगे, इसको फिल कैसे करेंगे, 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ लें या 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ लें, एक ही बात है, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, तो इसमें फिल करेंगे तो कितना आएगा, 12। क्लियर, इसी तरह से फिल अब करने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगर आपको टेबल आते हैं, ये सिर्फ टेबल पर बेस्ड है, बी पर, बी देखें, लिखा है 4 × 2 इक्वल टू बॉक्स बना है, इसमें फिल करना है। तो देखें, चाहे 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ें, 4 × 2 = 8, या 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें, 2 × 4 = 8, आएगा 8 ही। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नो प्रॉब्लम नो डाउट। नेक्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी देखें, 9 × 3 इक्वल टू, अब देखें, चाहे 9 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ें, 9 × 3 = 27, या 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ें, 3 × 9 = 27। क्लियर, चाहे 9 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ें या 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ें, इक्वल वैल्यू आनी है मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करते हैं, डी पर चलते हैं। डी देखें, लिखा है 2 × 4 इक्वल टू, देखें अभी अपनों ने यहाँ पर पढ़ा था 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा, अब 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो, बात वही है, चाहे 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें या 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ें, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं फर्स्ट टू फॉल, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, कितना हो गया, 8। और भी करते हैं, ई पर चलते हैं, सिक्स फाइव जा थर्टी, सिंपल, नो डाउट नो प्रॉब्लम। और भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं, देखें एफ यहाँ पे समझते हैं, एफ है 8 × 6 इक्वल टू में बॉक्स बना है, बॉक्स को फिल करना है अपनों को, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखें, अब 8 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ें या 6 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ें, 8 × 6 = 48 और 6 × 8 = 48। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन नंबर जी पर चलते हैं। जी में देखें, 5 × 2 इक्वल टू में, देखें ये 5 है, 5 × 2 से करें या 2 × 5 से करें, तो 5 × 2 = 10 या 2 × 5 = 10। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एच करते हैं। एच में देखें, 3 × 9 इक्वल टू में,
थ्री नाइन जा पढ़ें या नाइन थ्री जा करें, थ्री नाइन जा और नाइन थ्री जा कितना आएगा, 27 ही आएगा। चाहे पढ़ें थ्री नाइन जा 27, नाइन थ्री जा 27, सिंपल एच हो गया। और भी क्वेश्चन करते हैं इसके नेक्स्ट, और भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई पर चलते हैं, आई देखें, टू मल्टीप्लाई बाय एट, टू की मल्टीप्लाई चाहे एट से करें, एट की मल्टीप्लाई टू से करें, टू एट जा 16 और एट टू जा 16, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जे पर चलते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय सेवन, वन की मल्टीप्लाई सेवन से करें या सेवन की मल्टीप्लाई वन से करें, देखें आप, वन सेवन जा सेवन, वन सेवन जा सेवन और सेवन बन जा सेवन, आएगा सेवन ही। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया होगा। अभी इसके बाद अपने और भी क्वेश्चन करेंगे और भी समझेंगे डिटेल में। अब अपने को क्या करना है, मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है। आप देख पा रहे हैं मैचिंग में क्या लिखा है, एक बार मल्टीप्लाई के वन साइड मल्टीप्लाई लिख दिए, थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर, फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन, सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव, टू मल्टीप्लाई बाय एट, एट मल्टीप्लाई बाय सेवन, नाइन मल्टीप्लाई बाय सेवन, एट मल्टीप्लाई बाय थ्री और सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स। अब अपनों को क्या करना है, आपको क्या देखना है, अपनों को ये देखना है, ये लिखा है थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप बहुत इजी कर पाएंगे। तो थ्री का टेबल चाहे फोर में पढ़ें या फोर का टेबल थ्री में पढ़ें, थ्री फोर जा कितना होता है 12, थ्री फोर जा कितना हुआ, आप इसकी मल्टीप्लाई करें, थ्री फोर जा 12, 12 इधर कहाँ पर है आप देखें, थ्री फोर जा 12, यानी ये इससे मैच कर देंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ें, फाइव की मल्टीप्लाई नाइन से करें या नाइन की मल्टीप्लाई फाइव से करें, तो फाइव नाइन जा 45 या नाइन फाइव जा 45, 45 देखें कहाँ पर है, सिंपल 45 आप ये देख पा रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट सिक्स की मल्टीप्लाई बाय फाइव से करें, चाहे सिक्स की मल्टीप्लाई फाइव से करें, फाइव की मल्टीप्लाई सिक्स से करें, सिक्स फाइव जा 30, ये फाइव की मल्टीप्लाई सिक्स करें, फाइव सिक्स जा 30, सिंपल। देखें करके किस से मैच कर रहा है, ऐसे कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं, इजी हैं, टफ नहीं है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप भी थोड़ा करें, कोशिश करें, ये देखें टू मल्टीप्लाई बाय एट है, तो टू की मल्टीप्लाई बाय चाहे एट से करें, एट की मल्टीप्लाई टू से करें, टू एट जा कितना हो जाएगा 16, या एट की मल्टीप्लाई बाय टू से करें, एट टू जा 16, तो कितना आएगा 16, तो 16 देखें कहाँ पर है, 16 ये है, सिंपल। एट की मल्टीप्लाई सेवन से करें या सेवन की एट से करें, एट सेवन जा 56, या सेवन की मल्टीप्लाई एट से करें, सेवन एट जा 56, सिंपल, नो प्रॉब्लम नो डाउट, 56 जहाँ पे है वहाँ मैचिंग कर दें, किसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट पर चलें, नाइन की मल्टीप्लाई सेवन से करें या सेवन की मल्टीप्लाई नाइन से करें, नाइन सेवन जा 63, नाइन सेवन जा 63, या सेवन नाइन जा 63, तो पढ़ें तो 63 कहाँ पर, नाइन सेवन जा 63, ये रहा 63, सिंपल। अब एट की मल्टीप्लाई थ्री से करें या थ्री की मल्टीप्लाई एट से करें, एक ही डिजिट आएगी, सिंपल नंबर आएगा, एट थ्री जा 24, 24 से मिला दो, सेवन की मल्टीप्लाई सिक्स से करें या सिक्स की मल्टीप्लाई सेवन से करें, कितना आएगा, सेवन सिक्स जा 42, या सिक्स सेवन जा 42, ये आएगा, सिंपल। आई होप मैचिंग क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी, मैचिंग क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी आप लोगों को, मैचिंग से आगे बढ़ें आप, मैचिंग से आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और भी समझने हैं और भी करने हैं। अब अपनों को करना है प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चन हैं, तो अपनों को इजीली समझ में आ जाएंगे, तो मैं जितना समझाता रहूँ आप अच्छी तरह समझते रहेंगे और कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको पहली बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हो तो आप पूछ सकते हैं SMS के थ्रू, व्हाट्सएप पे करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको पता है। इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखें क्वेश्चन नंबर ए पर चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
और इक्वेशन समझते हैं। सिंपल है, डिजिट में 2, 3 और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है। सिंपल है, देखें समझ पाएंगे आप और कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको टेबल आते हैं तो सिंपल। ये 2 की मल्टीप्लाई 3 में करना, तो इसका मीन्स क्या होगा, आपने 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। सिंपल, ऐसे 2 का टेबल, इस 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी करते हैं और बी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में डिजिट 1, 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी 2 है। सिंपल, ये भी देखो समझ में आ जाएगा आपको। देखें अब 2 का टेबल अपने कितने टाइम्स पढ़ना है, 4 टाइम्स पढ़ना है। 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी 2 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा, तो 2 4 जा कितना आया, 8 आया। सिंपल, इस 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 वन जा 2। सिंपल, और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, डोंट वरी। देखें क्वेश्चन नंबर सी के थ्रू समझते हैं। सी देखें, 3, 1, 3 और मल्टीप्लाई और यहाँ पे अंडरलाइन करें सॉल्व। सिंपल, इस 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़े, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। सिंपल, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में जितने टाइम्स ऊपर की डिजिट दे रखी है और नीचे की डिजिट दे रखी है, तो नीचे की डिजिट से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे की डिजिट से ऊपर वाले डिजिट में उतने ही टाइम्स टेबल पढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, टेबल पढ़ते हैं मल्टीप्लाई करके जो भी आता है, अगर 10 से नीचे होता है तो उतना ही लिख देते हैं और 10 से ऊपर होता है तो राइट की डिजिट लिख देते हैं और लेफ्ट की डिजिट कैरी के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और के थ्रू समझते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर में इसी का लेता हूँ, डी। डी में देखें समझें, 2 है, 3 है, फिर 3 मल्टीप्लाई, इसको करें। देखें 3 का टेबल 3 टाइम्स अभी पढ़ा था, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, पढ़ें 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सिंपल, और 3 का टेबल 2 टाइम 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। सिंपल, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और भी समझने हैं और भी समझते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर में इसकी जी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी के थ्रू समझते हैं। जी में 1, फिर 1, 9। देखें सिंपल, इसमें क्या समझाया है और क्या समझाने की कोशिश की गई है, इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम कभी भी किसी भी डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं या 1 किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 को करते हैं तो पहली डिजिट आती है, 9 बन जा 9। अब इस 1 की मल्टीप्लाई, फिर 9 बन जा 9। सिंपल, और क्वेश्चन के थ्रू समझें। ठीक, एक क्वेश्चन जे ले लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। जी में देखें, सिंपल क्वेश्चन है सारे, 2 है, 4, फिर मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है। सिंपल, देखो ये भी समझ में आपको आ जाएगा। सिंपल, इस 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। सिंपल, 8 हो गया। अब इस 2 का टेबल 2 में पढ़ो, 2 2 जा 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। सिंपल, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखें अभी क्वेश्चन नंबर मैं एल लेता हूँ, एल देखें क्यों लेते हैं, न्यू क्वेश्चन है, 2 है, 0 है, 4 और मल्टीप्लाई। इसमें देखें ये क्वेश्चन क्यों लिया है, सिंपल ये इसलिए लिया है कि हम 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, तो इसका मीन्स ये है अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं तो 0 ही आता है, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। सिंपल, क्वेश्चन क्लियर हो गया, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक सिंगल मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, सिंगल मल्टीप्लाई आपको समझ में आई होगी। और भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे अभी अपने, और क्वेश्चन समझेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, फाइंड द प्रोडक्ट। अपनों को अभी भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, अभी सिंगल मल्टीप्लाई थी और 2 डिजिट में थी। अब अपने इसका देखें कुछ इसमें न्यू पाएंगे आप, 2 का ये है 4, 1, 1 और 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आप देख रहे हैं अभी अपनों ने यहाँ पे जो डिजिट ली थी, 1 डिजिट थी, 1 मतलब 2 डिजिट थी, 1 और 2, बंस प्लस पर थी और टेंस प्लस पर थी। अब आप देख रहे हैं बंस टेंस 100, यहाँ 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी होगी, सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट को करनी होगी। तो देखें सिंपल है, ये भी समझ जाएंगे आप। ये देखें 2 है, 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़े, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने नोट किया था, 2 बन जा 2। सिंपल, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करें, 2 बन जा 2 और अब इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो 2 4 से कितना हो जाएगा, 8। कई बार कर चुके हैं अपने, कर पा रहे होंगे इजीली, समझ पा रहे होंगे। और क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी के थ्रू समझ लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तब। बी में देखें 2 है, 0, 1 और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से।
देखें इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो किसी भी डिजिट, अगर 1 से हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई डिजिट आती है, 3 बन जा 3। और अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले समझा था अगर हम जीरोज़ करते हैं तो 0 आता है, 3 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0। सिंपल, अब हम 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 × 2 = 6। इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए हो रहे होंगे और हो गए होंगे। अभी और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, मैं इसी का क्वेश्चन नंबर ये लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये देखो और सिंपल हो जाएगा, 2 × 0 = 0 और मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 4 से, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। सिंपल करें देखें सोल्व, इसका मीन्स ये है अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0 आता है, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करा क्या है, 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करा क्या है, 0, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 बन जा 4, 4 × 2 = 8। सिंपल सिंपल हो गया, 8 ही समझ में आ रहा है, 8 है समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। और क्वेश्चन समझने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो और भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी के थ्रू समझ लेते हैं, 1 0 1 और मल्टीप्लाई हमें करनी है 5 से। सिंपल देखें इसको भी समझ लेते हैं, करेंगे देखें, अगर अभी हम देखो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट की तो भाई डिजिट आती है, 5 बन जा 5, और अगर हम 0 करते हैं तो 0 आता है, 5 की मल्टीप्लाई हम 0 करते हैं तो 5 × 0 = 0 और 5 बन जा फिर से 5। क्लियर, इतने क्वेश्चन आई होप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और नहीं आ रही होगी। अभी क्वेश्चन नंबर अपने 3 और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई ऑफ द फ्लोइंग, यानी जो नीचे दिए गए हैं उनके अपनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो देखें अभी देखें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, मैं भी आपको समझाता हूँ चेंज क्या है। अभी समझाते हैं चेंज क्या है, देखें चेंज ये है, इसमें ए में समझते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में ए के थ्रू समझते हैं, 3 1 2 1 और मल्टीप्लाई करनी है 2 से, अभी आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो अपनों ने किया था तो यहाँ पे कितने डिजिट थे, ऊपर 2 डिजिट थे, 2 1 और 2 डिजिट, सेकंड क्वेश्चन किया तो उसमें 3 डिजिट थी, 1 2 3 डिजिट थी, और अब अपने थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। सिंपल सिंगल मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 डिजिट से, ये भी सिंपल है, अगर आप समझोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी समझ लेंगे। देखें कैरी वाले नहीं है, विदाउट कैरी है, कोई कैरी नहीं बचेगी, 2 का टेबल 1 × 2 = 2। सिंपल, अब इस 2 का टेबल 2 तो 2 की टेबल 2 × 2 = 2 और 2 × 2 = 4। सिंपल, अब इस 2 का टेबल फिर 1 × 2 = 2। सिंपल, अब इस 2 का टेबल 3 × 2 = 2 2 × 4 और 2 × 3 = 6। सिंपल, आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर बी के थ्रू समझते हैं, सब क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 4 है 3 है 1 2 और मल्टीप्लाई किससे करनी है, फिर 2 से करनी है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। करें सॉल्व, देखें अब सिंपल, 2 का टेबल अगर 2 × 2 = 2 2 × 2 = 4 और 2 का टेबल 1 × 2 = 2 फिर 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। सिंपल, आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो और क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। 3 2 3 0 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सिंपल करें देखें, अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो क्या आता है, 0, यानी 3 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 की मल्टीप्लाई फिर 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9। सिंपल क्लियर हुआ, नो डाउट, और भी क्वेश्चन करें इसके, करेंगे अभी और क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई के थ्रू समझ लेते हैं, 1 है 0 है 1 है 0 है और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से। सिंपल समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखें अभी समझा था आपने, अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 आता है, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 5 × 0 = 0 और अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो भाई डिजिट आती है, 5 × 0 = 0 और 5 × 5। बात समझ में आ रही है, सबको क्लियर हो रही है, अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 करते हैं तब 0 आता है, लेकिन अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो वही डिजिट आती है। क्लियर, आई होप क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर एच लेते हैं, डिजिट है 1 है 2 है 2 है 0 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
क्लियर करते हैं। देखें अभी अपनों ने समझा है, अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो जीरो ही आता है, तो फोर की मल्टीप्लाई जीरो से करें तो क्या आएगा, जीरो। फोर की मल्टीप्लाई टू से करें फोर टू जा एट, फोर की मल्टीप्लाई टू से करेंगे फोर टू जा एट, सिंपल। और अगर हम फोर की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो फोर वन जा फोर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और क्लियर हो जाएगी। आज आपकी सिंगल मल्टीप्लीकेशन, चाहे विदाउट कैरी, चाहे वन डिजिट से करें या टू डिजिट से करें या थ्री डिजिट से करें, आप लोग आज के बाद नहीं बोलेंगे। इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, रिपीटेशन के साथ देख सकते हैं, समझ में आ जाएगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और भाई बहनों के साथ शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।